पैनल डे सुपर होए मेरा नाम है तुषार तो अभी ओलंपिक्स का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा कि राज कॉमिक्स में चेक करते हैं कौन सी स्पोर्ट्स रिलेटेड बुक्स हैं तो काफ़ी कॉमिक्स की स्टोरीज में स्पोर्ट्स का आता है एक मल्टी स्टारर में ही काफ़ी कुछ आता है एक में मैच हो रहा होता है आई थिंक ध्रुव की कोई सीरीज थी और काफ़ी में थीम्स रहती है स्पोर्ट्स की स्टेडियम में कुछ अटैक होता है उस तरह से बट दिस वॉज आई फेल्ट लाइक ये ज़्यादा अटैच है ओलंपिक्स uh, और कॉमनवेल्थ गेम्स और उस थीम से तो ये बुक आई थी आई थिंक दिस शुड भी अराउंड टू थाउजेंड टें और uh, इसमें ये लिखी है नितिन मिश्रा जी ने इट्स कॉल्ड हम होंगे कामयाब एज़ यू कैन सी इसमें तीन तो हमारे नोन सुपर हीरोज़ हैं परमाणु तिरंगा और ध्रुव और एक नया इसमें एंट्री होती है चक्र की तो स्टोरी uh, कवर करती है थीम ऑफ करप्शन एंड करप्शन इन स्पोर्ट्स कमिटीज़ तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन रिलेट टू अभी भी और किस तरह समटाइम्स प्लेयर्स आर मेड टू हैव स्टेरॉइड्स एंड देन दे गेट इन टू ट्रबल और कोच कभी कभी बिकॉज ऑफ समवन एल्स इज फॉल्ट समन एल्स गेट्स क्वेश्चन तो ये अभी काफ़ी चल रहा है ओलंपिक्स में भी इंडिया की टीम में बट आई जस्ट वॉन्ट टू दैट हमें ओलंपिक्स में जितने uh, भी गेम्स होते हैं उनको इंक्रेज करना चाहिए बिकॉज़ क्रिकेट को ज़्यादातर ही अटेंशन मिलती है इंडिया में एंड वी शुड ऑल्सो इनक्रेज ऑल दीज अदर स्पोर्ट्स एंड इट्स वेरी इजी टू दैट इस प्लेयर ने अच्छा नहीं करा हम तो कभी भी मेडल नहीं जीते। बट uh, आप अगर मैच देखें uh, जो होते हैं एथलेटिक्स वेट लिफ्टिंग Uh, किसी भी कैटेगरी में देन यू रियलाइज़ की कंपटीशन इज़ सो हार्ड तो उसमें किस तरह से ऑन दिस ग्लोबल स्टेज जो टॉप फाइव टू टॉप फोर में आना भी बहुत टफ बहुत uh, तारीफ की बात होती है तो वी शुड इनक्रेज आर प्लेयर्स अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स कमिंग बैक टू दिस बुक इसमें प्रिमाइज काफ़ी अच्छा है अगर आप देखें तो बुक काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है बट नितिन मिश्रा जी थोड़ी ये राइटिंग अटेम्प्ट करते थे जिसमें वो चैलेंज करते थे हमारे क्लासिक स्टाइल ऑफ सुपर हीरो डायलॉग को नए तरह से दिखाने का तो कभी भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा इंस्पेक्टर विनय को ऐसे टेकिंग ऑफिस शर्ट एंड सो ऑन बट इसमें उन्होंने दिखाया लैंग्वेज भी काफ़ी अब से काफ़ी हल्की टाइप की लैंग्वेज थी और काफ़ी इंग्लिश इसमें देखने को मिलेगी आपको लॉट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस तो थोड़ा अन ईवन लगता है थोड़ा इनकन्सिस्टेंट लगता है विद जो है जैसे हम देखते आ रहे हैं हीरोज़ को बाकी स्टोरीज़ में अच्छे अटेम्प्ट करे गए हैं एक और आ, सुपर इंट्रोड्यूस करा गया है और कॉमनवेल्थ गेम की थीम गेम्स की थीम है इसमें जो डेली में हो रहे हैं एंड किस तरह से लॉट ऑफ एक्शन यू विल सी तो आई वुड से इट्स एन एवरेज बुक एंड राज कॉमिक्स को ये सब चीज़ें कर सकते हैं वो जैसे कोई भी इवेंट हो रहा हो जैसे ओलंपिक्स हो रहा है तो हैव रिलीज्ड अ काइंड ऑफ सी ऑफ दिस बुक ओलंपिक्स के एक एटमोसफियर uh, में तो इस तरह से करेंगे तो दिस कॉमिक्स विल फाइंड मोर रीडर्स एंड मोर अप्रीसीशन एनी वेज जस्ट वॉट आई फील और uh, ये मैंने बुक को रिविज़िट किया नॉट अ बैड रीड इसमें काफ़ी मैसेजिंग है अगर कॉमिक बुक की बात करूं तो इसमें कुछ कुछ वही प्रॉब्लम है जो कई राज कॉमिक्स की मल्टी स्टारर में होती हैं जैसे टू मच डायलॉग तो आप देखें तो दिस इज नथिंग हैपनिंग इन दिस पैनल्स एंड वे टू मच डायलॉग मतलब ऐसा लग रहा है पेज को फाड़ के बाहर आ जाएगा ये पैनल तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहता है तो हमेशा ही रहता है प्रॉब्लम्स तो आई डोंट नो अगर आप ये कॉमिक पढ़ रहे हैं तो कि, कि, कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं इस डायलॉग को बट अदर देन दैट एक्शन कलरफुल कॉमिक बुक मल्टी स्टारर हम होंगे कामयाब तो होप uh, हम भी काफ़ी कामयाब हों इंडिया के ओलंपिक्स की एफर्ट uh, में जो रैली है आई सपोर्ट टीम इंडिया एंड गो फॉर गोल्ड एंड होपफुली वी एंटर द डबल डिजिट इन ओलंपिक मेडल्स